हम तो बात करके होगी। चलो चलो गाइस आओ। हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप्स हो आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। मैं अंकुर और आपके सामने ला रहा हूँ एक न्यू व्लॉग विद अतिन सेठी झाड़ू वाले। तो गाइस, आपने मुझे पिछली वीडियो में देखा था, मैं दंगल लड़ रहा था, तो आज वो दंगल में हार के आया हूँ। अभी तो आप कह रहे थे जीत के आया हूँ। बस क्या करें, तो आपको कितनी बार धो धो के पटका बस बता नहीं सकते। सो देखो, इनको इतना धोया कि लास्ट वीडियो में काले काले लग रहे थे तो गोरे हो गए। सो अगर जो किसी को गोरा होना हो तो दंगल जाए और धुल के आए। और मैं दिखाना चाहूँगा, और बाकी एक बैक स्टेज, वो मतलब बैक स्टेज। तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है और न्यू मेंबर्स भी मिलेंगे आपको। और ये खाओ। हाँ, बाकी आप खा सकते हो। और हम भी अभी रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं और बाकी बस अब दिखाते हैं। और स्पेशल व्लॉग है और कुछ अनोखा होने वाला है, वो आपको आगे पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि हम कह रहे थे, कुछ अनोखा होने वाला है और अनोखा ही है। सो ये हमारे अनोखे, और इस वीडियो में हमारे मानिक बेदी जी डॉक्टर है। बस क्या रखा इन बातों में, तो सारी करनी दरीनी इनके हाथ में ही है। सो बस अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या हो रहा है। नजारे I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain. So guys, finally हम पहुंच गए हैं करोड़ों किलोमीटर बाइक और स्कूटी चलाने के बाद अपनी नई लोकेशन पे। मानिक की इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ सामान लेने गया है अपना। मैं जा रहा हूं कैमरा सेट करने, जल्दी आ जाओ व्लॉग करके। यो यो यो। तो और बंदा कुछ सीरियस हो रहा है, बाकी आप देख सकते हैं हाथ हिलाते हुए। तो ये बोल रहा है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि कर दो इनका भी और अपने भाई का भी। और जो भाई साहब कर दिया करो, आपको बार बार कहना ना पड़े यार। और जो ये शूट चल रही है ना, तो वो जो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी भरता बैंगन, जो भी बहुत अच्छी चीज बनेगी, वो इनके चैनल पर आएगी। तो इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। और चैनल का नाम क्या है? पंजाबी शेर मीडिया। सो वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, अपने मुजफ्फरनगर का नंबर वन चैनल चल रहा है। और बस थोड़ा सा प्यार मेरे साथ भी बनाए रखना। ऐसा एडिट कर हर फोटो ही अपील कर दी, बॉलीवुड वाले सारे कुछ केड़े कैमरे च क्लिक कर दी। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, पंजाबी शेर मीडिया एंड मैनी ब्लॉग एम आई टैटू। तो एक और हमारे पास चैनल है, तो चैनल ये इनका अपना स्टूडियो है, टैटू स्टूडियो है। किसी को टैटू बनवाना हो परमानेंट टेम्परेरी हर चीज, और आप इनको इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। और एक स्पेशल व्लॉग इनके नाम का भी आएगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे शहर में। कर देनी मौज हमारे शहर में, कहाँ पे इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, सबको मिलवाएंगे। तो ये हमारे टैटू आर्टिस्ट हैं, और बस मिलवाते हैं आपको। हाथ सैनिटाइज करते रहिए, कोरोना फैल सकता है दोबारा। और सैनिटाइज करके ही आप सब्सक्राइब भी कर देना, तो और अच्छा रहेगा। फोन भी सैनिटाइज होना चाहिए ना। तो अब तुम देख रहे हो, जैसे कि हम तैयार हो गए हैं शूट वूट करने के लिए। और शूट तो ये हमारे डायरेक्टर साहब, और ये हमारे कैमरा। अभी हमारा थोड़ा बजट बढ़ गया है, तो हम कैमरामैन अतिन सेठी के साथ। ये बंदा है ना जबरदस्ती वीडियो में घुसता है हर बार। हाँ, तो इनको फुटीज खाने की आदत है, क्योंकि बस क्या कह सकते हैं, दोस्त है तो अपना बोल भी नहीं सकते। काम ही ऐसे चलता, फुटेज दिखाऊंगा तो कौन देखेगा। क्या बढ़िया था गुरु, वल्लाह हबीबी। शूटिंग डे फर्स्ट डे, और हम जा रहे हैं, हमारा शूट का बजट लो है तो इस पर जा रहे हैं फिलहाल। तो नहीं तो मैंने टी वैन होती है हमारे पास, पार्टी का मज़ा आता। सो गाइस, हम आ गए हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। और आपको लग रहा होगा हम इस लोकेशन पे क्या कर रहे हैं, दरअसल ये बिहाइंड द सीन की लोकेशन है। और जो असली लोकेशन है ना, वो कैमरे के उस साइड है, जो आपको दिखेगा सॉन्ग में। और सॉन्ग कहाँ आएगा? पंजाबी शेर मीडिया। और ये भाई हमारा, ये आ जाओ। नहीं दिखाना नहीं चाहते शक्ल, वो पेड़ के पीछे छुप गए हैं। तो यहाँ पेड़ के पीछे भी छुप रहे हैं लोग। सो ये हमारे वो सोच करने गया है। सो सॉन्ग में एक मॉडल ये भी रहेंगे, काशिफ खान। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना सॉन्ग को। और तो ये हमारे मॉडल थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, तो कुछ सीन चल रहा है। आप देख सकते हैं इधर पेड़ों पर डांस क्लास लिखी है, ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये देखो, ये पेड़ प्रमोशन नहीं है, लेकिन भाई जो भी है इसको पेड़ प्रमोशन है।
तो भाई इसको ब्लर करना पड़ेगा ऐसे, तो ऐसे मुजफ्फरनगर में लिखा जाता है लैटिन का दसवां इस तरह से लिखा है, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। अब इन्होंने कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर दिया है कि मैं ये सीन नहीं डाल सकता। गाइस आपको पता है हम शूट करने आए हैं और देखो हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरा फॉलो करेंगे, दूर दूर खड़े होके सारे सीन करेंगे। ये कल रात आ गए, हमने मेहनत करी रात को, सो बस अब करते हैं शूट। आप सोच रहे होंगे आज हम अकेले अकेले घूम रहे हैं, लेकिन हमारी मैनेजर हमारे साथ ही है, तो मतलब कुछ गलत मत सोचना, कभी सोचो निकल लिए आज मस्ती के मूड में। बस ठीक है, सो बस ठीक है। तो इन्हें भाई को स्टिंग फिर पिलानी पड़ेगी। जैसा कि मैम आपके साथ ये घटना, ये दुर्घटना पहली बार हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं टीवी पे आ गई हूं। ओह माय गॉड, ये देखें कितने खुश हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है, पता लग रहा है शूट तो हो गई और इनके सीन सीन आए और ऐसे गए। शू शू, बात ऐसी है, शूट हो चुका थोड़ा डन और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट अपने घर, पेट पूजा करने, कुछ खाने पीने, ऐश करने। तो सो हमें भगा रहे हैं अलग से कि तुम लोग निकल जाओ, तुम्हारा काम हो गया, अब हम जाएंगे खाना पीने। और आदमी अरे जादू, धूप में गायब हो गए। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में अंकुर वानी जी के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, ढक्कन बंद।